न्यूज ऑन मैप में आपका स्वागत है। इस नए प्रोग्राम के माध्यम से दृष्टि आईएएस ने आप सभी के लिए एक नई पहल की है। हमारा मकसद मानचित्रों के प्रयोग द्वारा हालिया समय में सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण जगहों की भौगोलिक स्थिति की सभी जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचाना है। इस सत्र में हमने 5 स्थानों को चुना है, स्विट्जरलैंड, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला और यूनाइटेड किंगडम। आइए इन सभी स्थानों में से प्रत्येक को विस्तार से समझते हैं जो हाल फिलहाल में समाचारों का हिस्सा रहे हैं। पहला स्थान है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड का झंडा एक स्क्वायर रेड फील्ड के केंद्र में एक सफेद क्रॉस को प्रदर्शित करता है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है, जिसे आमतौर पर CHF के रूप में इंगित किया जाता है। 1815 में स्विट्जरलैंड स्वतंत्र हुआ। यहाँ 1848 में अपनाया गया संविधान तब तक सैनिकों को सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने की अनुमति नहीं देता जब तक कि उस पर हमला न हो जाए। इसके सैन्य बल का केवल आत्मरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्विस संघ ने सशस्त्र तटस्थता बनाए रखी थी। इसके अतिरिक्त यह इन युद्धों के दौरान शरणार्थियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था। यह देश 26 कैंटन्स या राज्यों से बना है जो परिसंघ का निर्माण करते हैं। स्विट्जरलैंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिश्टेनस्टीन, इटली और फ्रांस के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इस देश में पानी के कुछ सबसे बड़े निकायों में जेनेवा झील, लेक कॉन्स्टेंस और राइन नदी शामिल हैं। पूरे देश को 3 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर में जूरा पर्वत, दक्षिण में स्विस आल्प्स पर्वत और दोनों के बीच मध्य पठार। स्विट्जरलैंड की महासागर या समुद्र तक कोई सीधी पहुंच नहीं है, जिसका मतलब है कि यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। स्विट्जरलैंड 2002 तक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बना था और यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। स्विट्जरलैंड की तटस्थता ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय की स्थापना के लिए इसे पसंदीदा जगह बना दिया है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अन्य में शामिल हैं CERN, ILO, IUCN, WHO, WIPO, WMO, UNHCR। अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्विट्जरलैंड में ही अपना प्रसिद्ध फॉर्मूला E=MC² विकसित किया था। उन्होंने सैन्य कर्तव्य पूर्ति से बचने के लिए अपनी जर्मन नागरिकता का त्याग करने के बाद बर्न में अध्ययन और निवास करते हुए सापेक्षता के अपने सिद्धांत को विकसित किया। आइए अब खबरों में रहा अगला स्थान यानी ईरान को देखते हैं। ईरान 1979 में हुई इस्लामी क्रांति की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान है। 1978-79 की क्रांति के बाद अपनाया गया झंडा, जिसमें 3 क्षैतिज पट्टियां हरा, सफेद और लाल हैं, क्रमशः इस्लाम, शांति और साहस का प्रतिनिधित्व करती हैं। पट्टियों को शैलीबद्ध लिपि द्वारा विभाजित किया गया है। सफेद पट्टी के केंद्र में लाल रंग के ट्यूलिप के आकार की एक आकृति है, जो कि अल्लाह के नाम का संकेत है। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल है। ईरान को 1935 से पहले फारस के रूप में जाना जाता था। यह प्राचीन दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक था, जो कि इस्लाम की शिया व्याख्या को संजोए हुए है। 1979 में शाह शासन को उखाड़ फेंकने वाली इस्लामी क्रांति के बाद ईरान इस्लामी गणतंत्र के रूप में उभर कर आया। ईरान उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर, पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से और पश्चिम में तुर्की और इराक से घिरा हुआ है। ईरान फारस की खाड़ी में लगभग 1 दर्जन द्वीपों पर अपना नियंत्रण रखता है। ईरान में 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कैस्पियन सागर के दक्षिण किनारे पर उत्तर की दिशा में उच्च एल्बोर्ज श्रेणी और उत्तर पश्चिम में तुर्की और इराक की सीमा से होते हुए दक्षिण में होर्मुज जलसंधि तक विस्तृत जागरोस पर्वत श्रृंखला। दश्ते कावीर और दश्ते लूत नामक सॉल्ट डेजर्ट्स देश के पूर्वी भाग में स्थित हैं। पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील उर्मिया झील पश्चिमोत्तर ईरान में स्थित है। ईरान के पास दुनिया का 4था सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार है और दुनिया भर में 2रे सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं।
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 1960 में गठित पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के संस्थापक सदस्यों में से एक था। उल्लेखनीय है कि ईरान खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है। भारत पाकिस्तान के बाहर बाहर अफगानिस्तान और मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी को सुचारू बनाने के लिए दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC, जो कि एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, भारत और रूस को फारस की खाड़ी के तट पर स्थित ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास से जोड़ता है। फिरदौसी, सादी, रूमी और हाफिज जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार ईरान से रहे हैं। अगली जगह जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भारत के 70वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया। दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानियां हैं, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी, केप टाउन विधायी राजधानी और ब्लोमफोंटेन न्यायिक राजधानी। दक्षिण अफ्रीकी ध्वज दक्षिण अफ्रीकी समाज के भीतर विभिन्न तत्वों के मेल जोल का प्रतीक है जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधता है। देश में 11 आधिकारिक भाषाएं और कई गैर आधिकारिक भी हैं। संस्कृतियों का यह अद्भुत मिश्रण दक्षिण अफ्रीका को रेनबो नेशन यानी इंद्रधनुषी राष्ट्र का उपनाम देता है। दक्षिण अफ्रीकी पाउंड का स्थान लेने के बाद रैंड 1961 से ही दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। वर्तमान दक्षिण अफ्रीका लंबे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष और रंगभेद विरोधी आंदोलनों का परिणाम है। रंगभेद जैसी नस्लीय व्यवस्था जो कि 1948 में शुरू की गई थी उसे अंततः 1994 में खत्म कर दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका की सीमा बोत्सवाना, मोजाम्बिक, नामीबिया, स्वाजीलैंड और जिम्बाब्वे से लगती है और यह लेसोथो जैसे छोटे देश को चारों ओर से घेरे हुए है। पश्चिम में दक्षिण अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर दोनों पर दक्षिण अफ्रीका की तटीय रेखा है। गर्म मोजाम्बिक अगुलहास धारा इसके पूर्वी और दक्षिणी तटों को पार करती है जबकि ठंडी बेंगुएला धारा इसके पश्चिम तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण अफ्रीका का ड्रेकेन्सबर्ग या ड्रैगन की पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम बिंदु तक फैली हुई है जहां जेसुदी स्थित है। ग्रेट एस्कार्पमेंट इस देश की सबसे प्रमुख और सतत उच्चावच विशेषता यानी रिलीफ फीचर है। वेल्ड जो कि एक शीतोष्ण घास का मैदान है दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश भूभाग को कवर करता है। दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल एक विशाल रेत बेसिन का हिस्सा है जो लगभग पूरे बोत्सवाना, नामीबिया के पूर्वी भाग के एक तिहाई हिस्से और दक्षिण अफ्रीका में उत्तरी केप प्रांत के सुदूर उत्तरी भाग तक फैला है। लिम्पोपो नदी जो दो बार मकर रेखा को पार करती है दक्षिण अफ्रीका से निकलती है और मोजाम्बिक में पूर्व की ओर हिंद महासागर में गिरती है। हीरा खनन ऐतिहासिक रूप से किम्बरले के आसपास केंद्रित है और किम्बरले प्रोसेस जिसे कन्फ्लिक्ट डायमंड्स को हीरा बाजारों में प्रवेश से रोकने के लिए स्थापित किया गया था उसका नाम इस क्षेत्र के नाम पर ही रखा गया है। भारत ने जनवरी 2019 से इसकी अध्यक्षता भी की। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था जिसके बाद समूह ने ब्रिक्स को अपनाया। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी संघ का सदस्य है। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच अधिक एकता और एकजुटता को बढ़ाना है। दक्षिण अफ्रीका हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के जंक्शन पर स्थित है। इस प्रकार यह अफ्रीकी और अमेरिकी महाद्वीपों के साथ परिवहन चैनल की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाता है। डेस्मंड टूटू जो कि दक्षिण अफ्रीकी सामाजिक अधिकार रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे उन्हें 1984 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने देश को रंगभेद खत्म करने में मदद की और उन्हें 1993 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न और 2000 में गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वे और खान अब्दुल गफ्फार खान केवल दो विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और 1914 के अंत में इसे छोड़ दिया। इन वर्षों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ
सत्याग्रह के अपने राजनीतिक हथियारों का प्रयोग किया। अब अगले स्थान की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वेनेजुएला। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के नेता जुआन गुएडो ने मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की शक्ति को चुनौती देते हुए खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित किया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, जिसका आधिकारिक नाम बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है। वेनेजुएला के ध्वज में नीला रंग स्पेन से स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इसके केंद्र में 7 सितारे 7 प्रांतों के प्रतीक हैं जो क्रांति का समर्थन करते थे। वेनेजुएला की आधिकारिक मुद्रा बोलिवर फुएर्टे थी, लेकिन अगस्त 2018 के उच्च मुद्रा स्फीति के बाद से वेनेजुएला की मुद्रा बोलिवर सोबेरानो है। 1522 में स्पेन द्वारा उपनिवेशित वेनेजुएला ने 1811 में स्वतंत्रता प्राप्त की। ऐसा करने वाला यह पहला स्पेनिश अमेरिकी उपनिवेश बना। वेनेजुएला 1958 में ही अन्य लैटिन अमेरिकी देशों की तुलना में कहीं पहले एक लोकतंत्र बन गया। वेनेजुएला के नवीनतम संविधान को 1999 में अपनाया गया था। वेनेजुएला स्पेनिश के लिटिल वेनिस से लिया गया है, जिसका नाम आरंभिक स्पेनिश खोजकर्ताओं ने रखा था। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर में स्थित है और यह पश्चिम में कोलंबिया, पूर्व में गुयाना और दक्षिण में ब्राजील से अपनी सीमा साझा करता है। वेनेजुएला उत्तर में कैरेबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर से घिरा है। टोबैगो और त्रिनिदाद, ग्रेनाडा, अरूबा, कुराकाओ के कैरेबियाई द्वीप वेनेजुएला के तट के साथ स्थित हैं। वेनेजुएला का भूभाग पश्चिम में स्थित एंडीज पर्वत से लेकर इसके दक्षिण में अमेजन बेसिन के वर्षा वनों तक, पूर्व में लानोस और गुयाना हाइलैंड्स के विस्तृत मैदानों तक फैला है। वेनेजुएला में स्थित माराकैबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। द एंजल फॉल्स वेनेजुएला में स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। इस देश में तेल की मौजूदगी अपेक्षाकृत एक नई खोज है। वेनेजुएला के निर्यात में तेल का हिस्सा 96% है। यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का संस्थापक सदस्य है। लीमा समूह एक बहुपक्षीय निकाय है, जिसे 2017 में वेनेजुएला संकट के समाधान के लिए स्थापित किया गया था। यह 14 सदस्यीय देश समूह राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करता है, स्वतंत्र चुनावों की बात करता है, मानवीय सहायता प्रदान करता है और वेनेजुएला में लोकतांत्रिक व्यवस्था के टूटने की आलोचना करता है। सिमोन बोलिवर वेनेजुएला के सैन्य नेता थे, जिन्होंने स्पेनिश शासन से कई लैटिन अमेरिकी देशों की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। 1863 में वेनेजुएला सभी अपराधों के लिए मौत की सजा को खत्म करने वाला पहला आधुनिक देश बन गया। अंतिम स्थान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम हाल ही में समाचारों में था, क्योंकि वहां के सांसदों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के ईयू विड्रॉल एग्रीमेंट या ब्रेग्जिट डील को अस्वीकार कर दिया। यह 4 देशों इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड से बना एक अनूठा देश है। उनकी राजधानियां क्रमशः लंदन, एडिनबर्ग, कार्डिफ और बेलफास्ट हैं। इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों की अपनी अलग अलग सरकारें हैं, जिनमें अलग अलग शक्तियां हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलकर ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। यूनाइटेड किंगडम का झंडा वास्तव में इंग्लैंड के सेंट जॉर्ज क्रॉस, जिसके चारों ओर सफेद रंग के किनारे के साथ बीच में लाल क्रॉस है, स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज क्रॉस, जिसकी नीली पट्टी पर विकर्ण नुमा सफेद क्रॉस है, और आयरलैंड के संरक्षक संत क्रॉस, जो कि विकर्ण नुमा लाल रंग के एक्स आकार का है, इनका सम्मिलित रूप है। ब्रिटेन की मुद्रा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। यूके एक द्वीपीय देश है जो केवल आयरलैंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के उत्तरी तट तथा स्वीडन और डेनमार्क के पश्चिम में स्थित है। ब्रिटेन एक द्वीप समूह पर स्थित है, जिसे ब्रिटिश द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। आसपास के अन्य द्वीप समूहों में हेब्रिड्स, शेटलैंड्स, ऑर्कनेस, ऑयल ऑफ मैन और ऑयल ऑफ वाइट शामिल हैं। आइल ऑफ मैन और चैनल द्वीप समूह ब्रिटिश क्राउन के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं और ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है। ब्रिटेन 4 समुद्रों, दक्षिण में इंग्लिश चैनल द्वारा, जो इसे यूरोप महाद्वीप से अलग करता है, पूर्व में उत्तर सागर द्वारा और पश्चिम में आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर से घिरा है।
यूके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जिसे स्थायी पांच, बिग फाइव या P5 के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख हैं, जो 53 सदस्य राष्ट्रों का एक राजनीतिक संघ है। उनमें से लगभग सभी पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। एलिजाबेथ द्वितीय 16 राष्ट्रमंडल देशों के राज्य की भी प्रमुख हैं। यूके राष्ट्रमंडल सचिवालय के मुख्यालय की मेजबानी करता है। ब्रिटेन को आधुनिक संसदीय लोकतंत्र और औद्योगिक क्रांति दोनों के घर के रूप में जाना जाता है। फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट, बॉक्सिंग और गोल्फ सभी का आविष्कार ब्रिटेन में किया गया था। न्यूज ऑन मैप के आज के सेशन में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपकी तैयारी में लाभदायक साबित होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं खबरों में रहे कुछ अन्य जगहों के साथ।